Welcome friends to learn web page development. Today our topic is how to insert images and set his height and width. तो आज हम दोनों ही चीज करेंगे. मैंने यहाँ छोटे छोटे एक images भी लगा दिए हैं कि आपको पता चले कि छोटे छोटे images यहाँ लगे हैं. अब इसकी कोडिंग कर लेते हैं. फ्रेंड्स कैसे हैं आप सर? वेलकम फॉर लर्न HTML वेब पेज डेवलपमेंट. आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंसर्ट इमेजेस विथ हाइट एंड विड्थ. तो हम हाइट और विड्थ कैसे ऐड करते हैं वो देखेंगे. तो हमारा जो फॉर्मेट है HTML डॉक्यूमेंट का वो बिल्कुल सेम है हर बार की तरह. सिर्फ हमें थोड़े से इसमें चेंजेस करते हैं और जो हमने पहले जितने भी टैग्स और एट्रीब्यूट सीखे हैं उसको भी हम यूज़ करके देखते हैं. हमें रेडी होना है फास्ट फास्ट. पहले टाइटल लिख लेते हैं. टाइटल हमने ले लिया इंसर्ट द इमेजेस. फाइल को हम सेव कर लेते हैं. आपको पहले ही बताया कि फाइल को सेव करने के हमारे पास तीन तरीके हैं. एक तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जो आइकॉन्स बने हुए आप देख सकते हैं हम वहाँ से सेव एज कर सकते हैं, या हम फाइल में जा कर के भी सेव एज कर सकते हैं, या फिर हम कंट्रोल एस शॉर्टकट फॉर्म यूज़ करते हैं तो भी हमारा सेव एज करने के लिए विंडो आ जाता है. हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं. हमारा फाइल सेव हो गया. अब हम हमारे बॉडी टैग में आ जाते हैं. तो बॉडी टैग में हमें क्या क्या करना है? तो बॉडी टैग में हमें हमारा हेडिंग डालना है, हमें पैराग्राफ डालना है, और आज नया है वो है हमें इमेज एंटर करने हैं. तो हम इमेज भी इंसर्ट करके देखेंगे. और हमने जो जो पहले सभी के सभी सेक्शन टैग्स उसके साथ साथ उसके सब टैग्स प्लस BR टैग हमने जितने भी टैग सीखे थे आज हम यहाँ पर सब अप्लाई करेंगे. ओके तो पहले हम कर लेते हैं H1. माई ब्यूटीफुल पिक्चर. सेकेंड हमारा पैराग्राफ P. इसके लिए हम गूगल से एक पैराग्राफ ले लेते हैं, माई ब्यूटीफुल विलेज या जो भी है. तो हम वो एक सर्च कर लेते हैं गूगल पर जा कर के. हमने हमारा पैराग्राफ लिख लिया. अब हम सब हर लाइन के साथ एक BR टैग यूज़ कर लेते हैं. अपने फाइल को सेव करके हमने पेज ऑलरेडी सेव कर रखा है तो हम अपना पेज भी ओपन करके देख लेते हैं. तो ये हमारा पेज ओपन है. अब हम इसमें हमारे HTML स्टाइल्स के जितने भी एट्रीब्यूट्स थे हम उन सभी को यूज़ कर लेते हैं. पहले हमने बॉडी में हमने स्टाइल यूज़ कर लिया बैकग्राउंड कलर येलो. अब हम उसी तरह से H1 में भी हम हमारा फॉन्ट डाल लेते हैं, हम उसकी साइज डाल लेते हैं, उसको अलाइन कर देते हैं. ओके जैसे हमने स्टाइल में ये सब ऐड किया है उसी तरह से हम हमारे पैराग्राफ में ऐड करें. ओके हमने स्टाइल यहाँ पर भी ऐड कर लिया. अब एक ख़ास बात आपको बताती हूँ. हमें
नोटपैड प्लस प्लस में प्लगिंग्स में, प्लगिंग्स जो ऊपर है उसमें हम एचटीएमएल टैग जो है वो ऐड कर लेते हैं, तो हमें बहुत इजी होगा उसका प्रीव्यू देखने के लिए। अभी जैसे प्लगिंग किया तो यहाँ पे प्रीव्यू एचटीएमएल है, तो आप इसका प्रीव्यू देखिए तो आपको इसके साइट में इसका प्रीव्यू भी मिल जाए। नहीं तो आप डेस्कटॉप पे जा कर के हमारा जो पेज था हम उसको सेव कर लेते हैं। पहले हमने सेव नहीं किया था, सेव करते हैं फिर यहाँ जाकर एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारा जो पेज था वो बन गया। ओके, कलर भी आ गए, सेंटर में भी हो गया और हमारे फ़ोन और फैमिली जो था, स्टाइल जो था वो भी छूट गया। और हमारा आज का टॉपिक था इंसर्ट इमेज, तो हम इमेज के लिए हम हमारा इमेज एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और हमें इमेज आईएमजी, ओके, सेकंड सोर्स, हमारे इमेजेस हैं सोर्स से है तो वो सोर्स हमने डेस्कटॉप पे रखे हैं या कोई फाइल बना करके रखा है तो वो हमारा सोर्स हो जाएगा। प्लस उसके बाद जो है हम हमारे उस फाइल का नाम लिखेंगे। अब मैंने इसको गूगल पे से लिया है और मैंने उसको कैसे सेव किया है, जीपीजी फाइल में किया है, पीएनजी में किया है, या आपका कोई फ़ोटो है, पिक्चर है जिसको आपने स्कैन के अपने लैपटॉप में रखा है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरा का पूरा उसका पाथ देना पड़ेगा। ओके, तो मैंने एक गूगल से एक पिक्चर ले लिया है जिसको मैंने डेस्कटॉप पे रखा है, तो मैं उसको डेस्कटॉप से ले लेती हूँ। देखिए मैंने दो गूगल पर से दो इमेजेस लिए हैं, एक तो एक का नाम मैंने निजी रखा है और एक का नाम मैंने सिंपल फ्लावर रख दिया है। तो जो मैं यहाँ पे एंटर करना चाहूँगी मैं उसका सिंपली जैसा मैंने किया है वैसे के वैसा यहाँ पे, जैसे नेचर जेपीजी फाइल है तो जेपीजी, ओके, और फिर साथ में आप इसको सेव करते जाइए। अब आपके साइड में जो प्रीव्यू आ रहा है आप उसमें देखिए मेरा पिक्चर ऐड हो गया है ना, आपको देख। यदि मैं यहाँ पे दूसरा पिक्चर से एक डालती हूँ, अब जैसे मैंने फ्लावर लिया था मैं फ्लावर डालूँगी तो यहाँ पे फ्लावर आ जाएगा। डेस्कटॉप पे ही था और ये फाइल भी डेस्कटॉप पे है तो मेरे लिए बहुत ईजी होता है। यदि मेरी फाइल डेस्कटॉप में नहीं है, यदि मैंने अब एक फोल्डर बना है और फोल्डर में मैं अपना कोडिंग कर रही हूँ और मेरा जो पिक्चर है वो मेरे डेस्कटॉप पे है तो भी उसका पूरा का पूरा पाथ डालना पड़ेगा। पाथ कैसे मिलेगा आपको, राइट क्लिक कीजिए, ओके, पिक्चर की राइट क्लिक में आप जाएंगे और वहाँ पे प्रॉपर्टी में जाएंगे तो उसका जो फाइल जहाँ सेव होगी तो वो हमारा पूरा का पूरा पाथ यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसको भी सेंटर में अलाइन कर लेते हैं, तो इसके लिए हमने फर्स्ट जब हम एचटीएमएल सीख रहे थे तब हमने इसको सेंटर में अलाइन करने के लिए सेंटर टैग का यूज़ किया था, तो अब हम सेम उसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे अपने आप दिखाई दे रहा है कि हमारा सेंटर ये साथ साथ में अलाइन भी होता जा रहा है। हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, हमें फिर जाना है, ओपन करना है, पेज को रिफ्रेश करना है, हमारा प्रीव्यू हमें यहाँ दिखाई दे रहा है जब हम यहाँ कर रहे हैं। ये है नोटपैड प्लस प्लस का फ़ायदा, इसके लिए इसमें करना काम करना बहुत ईजी होता है। साथ में हम यहाँ पे इसका हाइट और विड्थ भी दे देते हैं, उसको भी चेंज करके देखते हैं। मैंने इसकी हाइट 100 लिख दी और विड्थ भी 100। प्रीव्यू में आप देखिए जैसे मैंने लिखा था वैसे इसमें चेंजेस आ गए। ओके, अब मैं इसके हाइट और विड्थ के बढ़ा देती हूँ तो आपको देखिए वहाँ पे भी बढ़ गया। देखिए मेरी पिक्चर जो छोटी थी वो अब बड़ी हो गई। होप आपको ये बहुत तरह से समझ में आया होगा, बहुत ही इजी वे से ये चीज़ों को हमने समझाया है आपको। आप में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिए।
यदि आप ट्राई करेंगे तो ज़रूर आपको क्वेश्चन क्रिएट होंगे जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ साथ में जो हमने ये कोडिंग की है तो मैं आपको ये कोडिंग भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ कि यदि आपको कुछ लगे कि ना समझ में आ रहा हो तो आप उसमें से देख करके भी आप कर सकें। ओके फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जो इसके आगे के जो भी सेशंस हैं वो वीडियोस मैं आपको बहुत आसानी से दिखा सकूं। थैंक यू।